मैं सीमा धाबाई आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गुड़ की चाय बताने जा रही हूँ। आज मेरे घर में किसी को जुकाम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि उन्हें क्यों नहीं एक ऐसी चाय दी जाए ताकि उनके जुकाम में और गले में फायदा मिले। तो आज मैं गुड़ की चाय बना रही हूँ। मैंने एक गिलास दूध लिया है, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, दो मैंने लौंग ली है, दो काली मिर्ची, और मैंने ये तुलसी के पत्ते, सौंफ और इलायची ली है, गुड़ लिया है और चाय की पत्ती ली है। सबसे पहले हम दूध को गर्म करने चढ़ा देंगे, साथ ही हम ये पानी भी एक अलग से चढ़ा देंगे। अब हम जो ये सारे सामान हैं, ये तुलसी के पत्ते हम डाल देंगे, और ये सौंफ और लौंग और ये अदरक और ये इलायची का टुकड़ा हम सब एक साथ ही इसमें पीस लेंगे और हम पानी में बॉईल कर लेंगे। ये मैंने सारी इसमें सामग्री डाल ली है, इसमें मैंने लौंग, काली मिर्ची, अदरक, सौंफ और इलायची, ये सब मैंने इसमें दरदरी दरदरी कूट ली है, और हम ये इसे पानी में बॉईल कर लेंगे। इसे हम पानी में बॉईल कर लेंगे, साथ ही जो ये हमने गुड़ लिया है, ये गुड़ भी हम इसी में ही डाल देंगे, और इसे कम कम आंच पे हम बॉईल होने देंगे। और जो हमने दूध गर्म करने चढ़ाया है, इसमें हम चाय की पत्ती डाल देंगे। मैंने सारी सामग्री डाली थी, इसे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से बॉईल हो रही है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। हम गैस कम कर देंगे। जब हमारा जो हमने चाय डाल के दूध चढ़ाया है, ये भी बॉईल हो गया है, इसे भी हम बॉईल होने देंगे। ये देखिए, अच्छे से दूध में जो चाय की पत्ती डाली थी वो अच्छा कलर आ गया है। इसे हम बंद कर देंगे, और जो हमने इसमें सारी सामग्री बॉईल करी थी, इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। मैंने इसे ठंडा कर लिया है, और अब हम इसे इसमें डाल देंगे, और हम चाय बनकर तैयार है। और अब हम इसे, अगर आप इसे सुबह सुबह जुकाम होने पर 3-4 दिन तक लगातार पियेंगे, तो आपकी जुकाम में बहुत ही फायदा मिलेगा। ये गुड़ की चाय बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, तो मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं सीमा धाबाई, धन्यवाद।